हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत खजूर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको यही तरीका बताऊंगी। इसको मैंने पिंक कलर में भी डाला है, ये किसी भी लाइट कलर में बहुत अच्छी लगती है। आप इसको 6, 8, 10 कली तक बना सकते हैं। ये डिज़ाइन लंबी भी जाती है और आप इसे छोटा करके बीच बीच में भी डाल सकते हैं। ये लाइट कलर में बहुत अच्छी लगती है। ये डिज़ाइन 28 फंदों की है, इसमें 8 फंदों में डिज़ाइन पड़ती है और 4-4 फंदे प्लेन चलते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। ये मैंने 28 फंदे इसमें ले लिए हैं और अब मैं 4 फंदे पहले उल्टे बिनूंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले अच्छे अच्छे स्वेटर के डिज़ाइन देख सकें। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैंने 4 फंदे उल्टे ले लिए हैं। अब मैं 8 फंदों में से 4 फंदे सिलाई से उतार के आगे वाले फंदों को पीछे और पीछे वाले फंदों को आगे कर लूँगी और इनको मैं सीधा बिनूँगी इस तरह। इसमें हमें सिर्फ फंदों का ख्याल रखना है, इसमें ना घटेंगे फंदे ना बढ़ेंगे। अब मैं पीछे वाले 4 फंदे उतारूंगी और आगे वालों को पीछे और पीछे वालों को आगे कर लूंगी। इसमें एक ही डायरेक्शन में नहीं मुड़ेंगे फंदे, दोनों आमने सामने मुड़ेंगे। अब हम इन 4 फंदों को सीधा बिन लेंगे। आप इसे 8 फंदे उल्टे करके भी बिन सकते हैं। बीच में 8 फंदे उल्टे ले लीजिए या 10 फंदे उल्टे ले लीजिए। ये मैंने 4 ही फंदे उल्टे लिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे करीब डालनी है ये डिज़ाइन। अब ये 4 फंदे मैंने उल्टे फिर बिने। एक बार आपको फंदे समझ में आ जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगी आपके लिए। ये मैंने पीछे वाले फंदों को आगे कर लिया है, 2 फंदों को, और 2 फंदों को पीछे कर लिया है। फिर मैंने वापस से सिलाई में उतारे हैं और इनको सीधा बिन दिए हैं। ये आप सेंटर में साइड में डाल सकते हैं डिज़ाइन। बच्चों के स्वेटर के लिए आप छोटा करके डाल सकते हैं, बड़ों में आप लंबी डिज़ाइन पूरी डाल सकते हैं। मैंने इसे 7 रंग तक बिना है। आप आगे वालों को पीछे कर लीजिए और पीछे वालों 2 फंदों को आगे कर लीजिए और सीधा बिन दीजिए। ये थोड़ा टाइट हो जाते हैं, लेकिन आप हल्के हाथ से बिनेंगे तो आसानी से बिन जाएंगे। अब 4 फंदे उल्टे। पीछे की जो सिलाई है वो हमें ढीली ही बिननी है, ताकि हमारी आगे वाली डिज़ाइन खिलकर आए। अब हम फिर से उल्टी सिलाई को सीधा बिन लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टी सिलाई को आप उल्टा ही बिन लीजिए। हम फिर से आगे आ गए हैं। अब हम फिर से 4 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर हम ये 4 फंदे उतारेंगे और पीछे वाले 2 फंदों को आगे कर लेंगे और आगे वाले 2 फंदों को पीछे कर लेंगे और फिर हम सिलाई पे चढ़ा के इनको सीधा बिन देंगे। ये मैं 4-4 फंदे इसीलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आपके समझ में आ जाए, वरना आप 8 फंदों को एक साथ करके भी बिन सकते हैं। अब ये फिर 4 फंदे मैंने उतारे। अब आगे वाले 2 फंदों को पीछे कर लेंगे और पीछे वाले 2 फंदों को आगे कर लेंगे। और सीधा बिन लेंगे। आप इसको 2 रंग में भी डाल सकते हैं। जो आप पीच की खजूरी डिज़ाइन है इसको आप अलग कलर में कर दीजिए और जो उल्टे हमारे 4 फंदे हैं उनको आप अलग कलर में कर दीजिए, तो ये 2 डिज़ाइन 2 कलर में भी बन जाएगी।
मैंने इसे दो कलर में भी बनाया है। चार फंदे मैंने फिर उतारे और पीछे वालों को आगे कर दिया और आगे वालों को दो फंदे पीछे चले गए। अब फिर सिलाई पे उतारा और इनको सीधा बिन लिया। इसको ढीले हाथ से ही बिनिए। और आगे वाले दो फंदों को फिर से मैंने पीछे कर लिया और पीछे वाले दो फंदों को आगे से मैंने मोड़ के आगे चढ़ा लिए हैं और सीधा बिन दिया है। इस तरह और हम चार फंदे उल्टे ही बिन देंगे। पीछे वाली सिलाई हम फिर से उल्टी ही बिनेंगे, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो सीधी जैसी बिनी है वैसी ही बिनी जाएगी। उल्टी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उल्टा बिन देना है। सेम बिल्कुल अब हम देखें, फिर से हमें चार फंदे उल्टे बिनने हैं और सेम इसी तरह आपको ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। चार फंदे उतारे, पीछे वाले दो फंदों को मैंने आगे कर लिया और आगे वाले दो फंदों को पीछे कर लिया और फिर सिलाई में उतार के उसे बिन दिया। ऊन पीछे कीजिए और सीधा बिन दीजिए। एक बार ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खूबसूरत डिज़ाइन है, आपके स्वेटर में बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह ये देखिए हमारी फली अंदर की तरफ, ये हमारी पूरी डिज़ाइन घूमेगी और फिर हमने आगे वाले दो फंदों को पीछे, पीछे वाले दो फंदों को आगे करके सिलाई में उतारा और सीधा बिना। एक बार अगर आपको फंदे सही तरीके से मोड़ने आ गए तो आपके लिए डिज़ाइन ईजी हो जाएगी। शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन फिर लास्ट आपको जैसे एक दो सिलाई आप बिनेंगे वो बिल्कुल ईजी लगने लगेगी आपको। फिर से चारों फंदे सीधे बिने और चार फंदे हम उल्टे बिने। ये देखिए अंदर की तरफ मुड़ रही है और चार फंदे हमने फिर से उल्टे बिने। हमने फिर से चार फंदे उतारे, पीछे वाले दो फंदे आगे, आगे वाले दो फंदे पीछे, फिर सीधा बिनना है हमें। इस तरह फिर चार फंदे उतारे, फिर आगे वाले पीछे कर लिए, पीछे वाले दोनों आगे की तरफ मोड़ लिए हैं और सीधा उतार लिया। एक एक फंदा उतार लीजिए, सीधा बिन लीजिए। फिर चार फंदे उल्टे और अब मैं आपको इसकी तीन चार लाइनें बिन के दिखाती हूँ। ये हमने फिर से उल्टे बिने चार फंदे और सेम उसी तरह हमने फिर हम बिनेंगे और ये उल्टी सिलाई हमारी सेम जाएगी। ये देखिए ये डिज़ाइन मैंने छः बार बिनी है, ये देखिए इतनी बढ़िया है। इसमें बीच में हल्की सी जाली आएगी और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको बिनने के बाद ये इस तरह दिखाई देगी। आप चाहें इतना बना के फिर फली आगे बढ़ा सकते हैं या छोटी फली डाल सकते हैं, ये दोनों तरीके से खूबसूरत लगती है। अलग अलग कलर में बनाइए वो भी अच्छी लगेगी।
तरह से दिखाई देगी। ये देखिए ये हमारी तैयार है, ये मैंने कई कलरों में बनाई है, आप भी बनाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।